not, sir. दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। मैं उषा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की। मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। Walk, 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 morning walk. अब मिलिए इनसे। जब तक ये फ्लावर इस पेड़ पे रहेंगे ना, मैं आप सबको दिखाती रहूंगी ऐसे ही। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना, यहाँ रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, इतनी अच्छी खुशबू है। ये है बोगनवेलिया, कितना खूबसूरत कलर है ना। और एक दूसरा कलर पिंक का ही शेड है, पर अलग कलर है। आप सब धनतेरस पे क्या खरीदते हो? मैं तो चांदी का सिक्का खरीदती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चांदी का सिक्का खरीदना। इतने सारे जमा किए हैं और खरीदूंगी। दिवाली में हमारे यहाँ ना कपड़े भी खरीदते हैं, तो ऑलरेडी मैंने खरीद लिए हैं और दिए, ये सब तो सभी खरीदते हैं। मैंने अभी खरीदा नहीं है, खरीदूंगी। दिवाली में स्वीट्स में नहीं खरीदती, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इतना स्वीट्स खाना नहीं पसंद है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए। बचपन में ना रात को शाम को सब जो दिए जलाते थे, तो दिवाली के दूसरे दिन सुबह सुबह उठ जाती थी और ना घूमती थी घर में चारों तरफ। मिट्टी के दिए होते हैं ना, सबको इकट्ठा करती थी मैं, सबको इकट्ठा करके जमा करके बड़ा खुश होती थी। अरे मेरे पास इतने सारे दिए हो गए, फिर उसको रख के उसको खेलती थी उससे। क्या होता है बचपन, ऐसा होता है बचपन। लगता था ना कितना सारा मतलब धन मिल गया हो ऐसा, मिट्टी को दियों को जमा करके। हमारे यहाँ दिवाली में मतलब बिहार में ऐसा होता है कि शाम को ना पकौड़ियाँ बहुत बनती है, उसको भजिया बोलते हैं महाराष्ट्र में, बैगन की, आलू की और लौकी की और पम्पकिन की, तो ये सब बनता है। और खीर भी बनता है, पूड़ी बनती है, लेकिन दाल चावल जरूर बनती है। मतलब दाल चावल हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी को दाल चावल बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ दाल चावल कुछ ना बने वो जरूर बनेगी। और उसमें उसके बाद तरह तरह की भजिया मैं भी बनाती हूँ। और दिवाली में शाम को 7 बजे तक मतलब मुहूर्त भी होता है, उसके अनुसार लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। और मैं तो बहुत सारे मिट्टी के दिए जला के उनकी पूजा करती हूँ, सब करते होंगे पर मैं करती हूँ मिट्टी के दियों से। और ना उसमें सरसों का तेल हम डालते हैं, मतलब सरसों के तेल से ही जलाते हैं। और मेरे यहाँ कल वाइट वॉशिंग था, सब वर्कर्स आए हुए थे, कल दिन भर बहुत बिजी थी मैं, लेकिन हो गया साफ सफाई। थोड़ा बाकी है तो वो भी होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर डस्टिंग वस्टिंग वो भी कर लूंगी मैं।
और आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट्स करके बताना। साफ सफाई, शॉपिंग, ये सारा कुछ। अब ओके, अब भी करो वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग, इट्स गुड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सुबह की प्रात और सूर्योदय के वक्त का समय है, गार्डन का आनंद ले रहे हैं, शारीरिक वर्जिश कर रहे हैं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अभी साफ सफाई की शुभकामनाएं, अभी घर का साफ सफाई कीजिए, कल धनतेरस मनाइए, तब लक्ष्मी का आगमन कीजिए, उसके परसों छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली कीजिए, परिवार के साथ खुश रहिए। थैंक यू। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, आप थोड़ा सा इसको हग कर लिया। लगता है ना कि दिन भर आके मैं यहाँ रहूं। एक पेड़ ना गिर गई है नीचे में, यहाँ पर तो गिर गया है। ये देखिए लंबी उसकी डाली, उसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। पत्ते कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, मुझे नहीं पता किस चीज का पेड़ है ये, लेकिन काफी बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। कितना सुंदर है देखिए, ऐसा लग रहा है ना पेंटिंग किया हो पेड़ का, हाथों से बनाया गया हो ऐसा लग रहा है। गार्डन में ना यहाँ बच्चों को खेलने के लिए झूले लगे हैं और भी तरह तरह के स्लाइड्स लगे हुए हैं, छोटे बच्चे आके यहाँ खेलते हैं। ये एक साइड में बनाया हुआ है।
अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, पसंद है मुझे भी और हस्बैंड यानी मिथिलेश जी को भी और मेरे बेटे को भी। अभी दिखाती हूँ। ये ना घी लगा रही हूँ रोटी में, ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। गरम है चपाती, गरम है। गार्डन से तुरंत आके मैं किचन में आ गई थी और ये मैंने गर्मा गर्म सूजी का हलवा और ये चपाती और इसके साथ दूंगी ये मैं आंवला का झटपट इंस्टेंट अचार बनाया था ना वो देने वाली हूँ। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट गरम गरम। थैंक यू, थैंक यू। आपका? और ये है मेरा ब्रेकफास्ट गरम गरम हलवा और आंवले की इंस्टेंट अचार। आप सबके लिए भी हलवा और आंवले का अचार। ये है आलू सोयाबीन की सब्जी और ये है फिश करी और राइस। आज के लंच में यही है, आज हम यही खाने वाले हैं। तो आप भी इंजॉय करो इस टेस्टी टेस्टी लंच को। सोयाबीन बड़ी है नहीं? सोयाबीन आलू, सोयाबीन आलू सोनू का फेवरेट है सोयाबीन आलू। यहाँ हो रही है कुछ डिस्कशन बाप और बेटे के बीच, तो मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग ले लिया। अभी रात के ना 8:30 बजने वाले हैं और मैंने सोचा आप सबको गुड नाइट बोल दूं। तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें।